ये है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी टेबल लैंड्स इलाका। ये इस राज्य के सबसे ज्यादा तेज हवा वाले इलाकों में से एक है, इसलिए ये विंड टर्बाइन्स लगाने के लिए बेहतरीन जगह है। ऐसी हर टर्बाइन सैकड़ों घरों के लिए बिजली पैदा करती है। गलन रेंज विंड फार्म में जल्दी ही ऐसी 73 विंड टर्बाइन लगाई जाएंगी और इनमें से हर एक को लगाएगी LTR 11200। ये इस कारोबार में इस्तेमाल होने वाली सबसे लंबी और सबसे मजबूत टेलीस्कोपिक क्रेन है। ड्राइवर एंडी डर्किन पिछले 25 साल से बड़ी सटीकता के साथ वजन उठाते रहे हैं। उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए आयरलैंड से बुलाया गया है और वो इस काम का दबाव महसूस कर रहे हैं, मगर वो जानते हैं कि इस काम के लिए उनके पास एक बेहतरीन मशीन है। इस क्रेन का बूम करीब 100 मीटर का है और हम आमतौर से 90 टन वजन को करीब करीब 95 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। इस काम के दौरान इसका कमाल देखने को मिलता है। आज एंडी का मिशन है इस जगह पर 10वीं टर्बाइन लगाना। आज तेज हवा चलने की पूर्व घोषणा हुई है, तो ये काम एंडी और उनकी मशीन दोनों का इम्तिहान लेगा। LTR 11200 को इसलिए बनाया गया था ताकि विंड टर्बाइन्स को आसानी से लगाया जा सके और इसके निर्माताओं ने इसे वाकई एक शानदार और विशाल मशीन बनाया है। संकरे ट्रैक वाली इसकी क्रॉलर चैसी इसे आसानी से ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चलने की काबिलियत देती है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल हुई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की वजह से इस पूरी क्रेन को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ऑपरेटर को कैब से बाहर रहकर इसे चलाने की सहूलियत मिलती है और वो क्रेन और निर्माण स्थल को बखूबी देख सकता है। आज ये बात बेहद जरूरी है कि इससे पहले कि एंडी कोई वजन उठाएं, क्रेन का क्रू 11200 को पूरी सटीकता के साथ उसकी जगह पहुंचाए, और इस बात की एक खास वजह भी है। पूरा खोलने पर LTR का टेलीस्कोपिक बूम 100 मीटर तक फैल सकता है, लेकिन 202 टन के काउंटरवेट और 4 आउटरिगर्स के बावजूद क्रेन के छोटे फुटप्रिंट का मतलब है कि वजन जितना ज्यादा होगा पहुंच उतनी ही कम होगी। इसलिए बहुत ज्यादा भारी वजन को पूरी तरह सीधा नहीं किया जाता, लेकिन LTR अपनी जरूरत की जगह पहुंचकर ये काम कर पाती है। ये काबिलियत उसे बेजोड़ बनाती है। क्रेन अब अपनी पोजिशन में है तो एंडी अब अपना कमाल दिखा सकते हैं। एंडी कैब से इसके बूम को अधिकतम ऊंचाई तक ले जाते हैं। नीचे निर्माण दल उनकी विंच को टावर के नए हिस्से से जोड़ देते हैं। टंबल कैमरों की मदद से एंडी 45 टन के सिलेंडर को बहुत ध्यान से ऊपर की तरफ उठाते हैं। अगर उठाने के दौरान अचानक कोई झटका लगा तो ये जोरों से झूल सकता है, इसलिए एंडी को जॉयस्टिक को बेहद सटीकता से ऑपरेट करना होगा। 25 मिनट की कोशिश के बाद ऊपर वाला हिस्सा अपनी जगह पहुंच जाता है, तो पहला चरण पूरा हुआ। अगला काम है 10 टन वजन वाले 3 ब्लेड्स को रोटर पर लगाने के लिए जमीन से ऊपर उठाना। सबसे पहले हर नाजुक ब्लेड को एक स्लिंग में बांधा जाएगा और इसका संतुलन बनाना बेहद अहमियत रखता है। अगर स्लिंग को ज्यादा पीछे की तरफ लगाया तो ये पिछले हिस्से को ज्यादा उठाएगा और वो फिसल सकता है। अगर ज्यादा आगे की तरफ लगाया तो इसके छोर जमीन से घिसट सकते हैं। 50 मीटर लंबे ब्लेड आखिरकार अब स्लिंग में संतुलित हो चुके हैं, तो एंडी इसे ऊपर उठाने लगते हैं और टर्बाइन के विशाल रोटर को बनाने की नाजुक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पीछे पीछे जाइए, अब ठीक है। एंडी और उनके टेलीस्कोपिक क्रॉलर को इस पेचीदा काम को पूरा करने में 4.5 घंटे लगते हैं। आखिरकार आखिरी ब्लेड भी अपनी जगह पहुंच जाता है और उसे उसके विशाल हब के साथ जोड़ दिया जाता है। टर्बाइन को पूरा करने के सिलसिले में अब सिर्फ एक काम बचा है, रोटर को टावर से जोड़ना। लेकिन फिलहाल एक समस्या है, मौसम खराब हो गया है और हवा तेज हो गई है। अगर इन स्थितियों में रोटर को उठाया गया तो कोई हादसा हो सकता है। जब तक हवा धीमी नहीं हो जाती ये काम रुका रहेगा।
छह दिन बाद आखिरकार मौसम बदलता है। टीम शेड्यूल में और पिछड़ने से बचने के लिए इस मौके का फायदा उठा रही है। आज इस बात की जिम्मेदारी केविन मैकेना पर है। वो गलन रेंज के साइट मैनेजर हैं और उन्हें ये देखना है कि ये काम अब तुरंत पूरा किया जाए। हम करीब छह दिन से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान मौसम ठीक नहीं रहा, लेकिन अब हवा धीमी हो गई है और आज हम रोटर को उठाएंगे। इधर LTR के कैबिन में एंडी टर्बाइन बनाने से जुड़े सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से को शुरू करने के लिए तैयार है। वो 60 टन वजन वाले इस रोटर को सीधे उठाने के लिए बूम को ऊपर की तरफ उठाते हैं। रोटर बहुत आहिस्ता से अपने सपोर्ट फ्रेम से बाहर निकल आता है और 80 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद अपने नए घर की तरफ बढ़ने लगता है। नियंत्रण के मामले में जरा सी भी हिचकिचाहट हुई तो रोटर बुरी तरह से हिल सकता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि क्रेन ऑपरेटर और टीम इस वजन को सुरक्षित रूप से उठाने के लिए लगातार संपर्क में रहें। क्या ब्लेड बिल्कुल सीधा है या ये किसी तरफ झुका हुआ है? हाँ, ब्लेड तो एकदम सीधा नजर आ रहा है दोस्त। एंडी धीरे धीरे रोटर को ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। इस बीच एक दूसरी सपोर्ट क्रेन भी लाई जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाखों डॉलर वाली ये चीज पूरी तरह नियंत्रण में रहे। LTR की अपनी ऊंचाई 100 मीटर है, जो कि काफी ज्यादा है। अब जनरेटर के अंदर मौजूद शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो क्रेन को सही सही मूवमेंट बताए ताकि रोटर को सुरक्षित ढंग से लगाया जा सके। छह दिन की देरी और 30 मिनट की कामयाब कोशिश के बाद इस टर्बाइन का रोटर आखिरकार टावर के ऊपर अपनी पोजीशन में पहुंच ही गया है। गलन रेंज में पिछले कुछ दिन टीम के लिए काफी हताशा भरे रहे, लेकिन आखिरकार 10वीं टर्बाइन के लगा दिए जाने से काम पूरा हो ही गया। हवा की रफ्तार कम रही और ये ऑपरेशन सुरक्षित रूप से पूरा हो गया। मैं इस पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुआ हूं और 3 घंटे में हम अगली टर्बाइन को लगाने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। 10 टर्बाइन लग गई।